नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 2004 का क्वेश्चन सेज इज बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट एच इज इक्वल टू टू हंड्रेड मीटर एट न्यू डेली सवाल है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच टू सेकेंड्स ड्यूरिंग टी इज टू जीरो टू टू इज टू सिक्स सेकेंड्स ऑफ द जर्नी विल बी हमारे ऑप्शन है वन इज टू फोर इज टू नाइन वन इज टू टू इज टू फोर वन इज टू थ्री इज टू फाइव या फिर वन इज टू टू इज टू थ्री सिंपल सवाल है uh, इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपकी बॉडी है एच uh, हाइट से इसने गिरना शुरू किया ड्रॉप यहाँ से हमने किया है इसका मतलब है यू आपका जीरो होएगा हमें बताना है कि आपके दो सेकेंड में उसने मान लीजिए एस वन डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद अगले आ, ये टी इज ईक्ल टू ज़ीरो से टी इज ईक्ल टू टू सेकेंड तक एस वन डिस्टेंस ट्रेवल किया और अगर इसको देखेंगे टी इज ईक्ल टू दो से चार के बीच में एस टू किया उसके बाद एस थ्री जो है आपका टी इज ईक्ल टू चार से छः हमें बताना है एस वन एस टू एस थ्री का रेशियो क्या होएगा? नाओ इस केस में हम ये कह सकते हैं जो आपका एस वन होएगा क्योंकि आपकी यू जीरो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एस वन को आप यहाँ लिख सकते हैं एस वन विल equal इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई टू का स्क्वायर ये आपका एस वन डिस्टेंस आ जाएगा नाव दो से चार डिस्टेंस निकालने के लिए एस टू निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस टोटल में से ये वाला माइनस कर दें तो आपका s2 जो आएगा वो आएगा चार सेकेंड में जितना चले माइनस उसमें से पहले दो सेकेंड का कर दें तो आपका जो s2 आएगा वो आएगा ज़ीरो प्लस हाफ फोर का स्क्वायर माइनस उसमें से ये माइनस कर दें ये आ जाएगा हाफ़ जी एक या फोर जी में सो गया माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय फोर का स्क्वायर इसमें से आप माइनस कर दें हाफ माइनस जी टू का स्क्वायर ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इसको करने का फ़ायदा ये है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जितनी थी उसकी चिंता नहीं करनी पड़ी सिमिलरली एस ट्री जो आएगा वो होएगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस उसमें से आप ये माइनस कर दें ठीक है सो so, पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हाफ जी इंटू इसको uh, ये आ जाएगा माइनस जी इंटू टू ये हो गया माइनस टू जी यानी कि ट्वेंटी मीटर होएगा सेकेंड वाले में इसको हम करेंगे फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन सिक्सटीन बाई टू एट बचेगा सो so ये बचा माइनस एट जी उसमें से आपने माइनस कर देना है ये बचेगा टू जी यानी कि बचा माइनस सिक्स जी ना एस थ्री की जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो एस ट्री की जो वैल्यू आएगी आ, वो होगा एस ट्री विल बी इक्वल टू हाफ माइनस जी सिक्स का स्क्वायर माइनस अब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करके बिकॉज़ ये आपके दो सेकेंड और चार सेकेंड में जितना चला है वो इसमें से माइनस हो जाएगा सो so बचेगा माइनस टू जी माइनस सिक्स जी और इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर बनेगा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू करेंगे अट्ठारह सो माइनस एटीन जी और यहाँ पर आएगा माइनस ये आपका एट जी सो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टेन जी अब इनका अगर हमें रेशो देखना हो तो रेशो हो जाएगा एस वन एज टू एस टू इज़ टू एस थ्री इसका रेशो हो जाएगा माइनस टू जी इज टू माइनस सिक्स जी इस टू माइनस टेन जी राइट और टू जी अगर हम कैंसिल कर देंगे तो बच्चा माइनस टू जी वन इज टू थ्री इज टू फाइव सो दैट विल भी हेर फाइनल आंसर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वन इज टू थ्री इज टू फाइव वुड बी द राइट आंसर